किसान भाइयों, आप सभी का खेती किसान यूट्यूब चैनल में स्वागत है। किसान भाइयों, जैसे कि आप अभी देख रहे हैं, हमारे खेत में भी धान की पौध की रोपाई का कार्य लगातार चल रहा है और ये कोई सामान्य धान नहीं है किसान भाइयों, ये है काला चावल यानी कि ब्लैक राइस। और इसकी हम पिछले 3 सालों से लगातार इसकी खेती कर रहे हैं, तो आज मैं आपको ब्लैक राइस यानी कि काले चावल की खेती कैसे करें इसके बारे में आपको पूरी जानकारी मिलेगी। तो किसान भाइयों, जैसे कि आप देख रहे हैं, अभी ये हमारा आधा एकड़ खेत है जिसमें हमारी ब्लैक राइस यानी कि काले चावल की खेती की जा रही है। इससे पहले हम लगातार 3 सालों से, जैसे कि आप जानते हैं, हम ब्लैक राइस की खेती करते हैं, काले चावल की, और हम ये ओरिजिनल ब्लैक राइस है यानी कि चखाऊ किस्म। और इसकी वैरायटी की बात करें तो ये चखाऊ किस्म का बीज है और ये ओरिजिनल ब्लैक राइस में आता है जिसे भारत सरकार द्वारा GI टैग वैरायटी है। जैसे कि आप देख रहे हैं, अभी हमारे खेत में ये हमने सबसे पहले हमने इसकी नर्सरी तैयार की थी। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये ब्लैक राइस की नर्सरी तैयार करने की पौध है। तो इसकी नर्सरी कैसे तैयार की, उसका फ़ायदा क्या होता है, पूरी जानकारी इस वीडियो में मिलेगी आपको। बस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, अगर आप पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। और इसके फ़ायदे क्या हैं, सबसे पहले हम फायदे की बात करते हैं। किसान भाइयों, काले चावल का फ़ायदा ये होता है, जो आज के समय में आपने देखा होगा, खान पीन में बहुत ज़्यादा समस्या दिन प्रतिदिन होती जाती है और जिसमें शुगर, कैंसर, हृदय रोग, आदमियों को नई नई तरह की बीमारियां दिन प्रतिदिन उत्पन्न होती जा रही है, तो उन सभी को बीमारियों से लड़ने की काले चावल के अंदर शक्ति है। जैसे कि आप वीडियो में भी देख रहे हैं, इस प्रकार का ये काले चावल होता है। इसे अगर आप खाते हैं तो इससे आपके शरीर में प्रोटीन की मात्रा पूरी होती है, एंटीऑक्सीडेंट इसमें प्रचुर मात्रा में होता है, सामान्य चावल की अपेक्षा कहीं गुना ज़्यादा प्रोटीन है और शुगर जैसी, कैंसर जैसी, हृदय रोग जैसी बीमारियों में भी कारगर है, क्योंकि डॉक्टर भी कहते हैं कि काले चावल का अधिक से अधिक सेवन करें। क्योंकि इसे खाने से क्या होता था, पहले राजा महाराजा पहले ज़माने में इसका इस्तेमाल करते थे, तो अब इसकी वैरायटी लुप्त हो गई थी। अब ये दोबारा जो इसकी वैरायटी आई है, ये ओरिजिनल ब्लैक राइस है जो कि चखाऊ किस्म का है, जो आप अभी देख रहे हैं। हमने सबसे पहले 20 से 25 दिन की नर्सरी तैयार की थी। नर्सरी तैयार करने के बाद इसके धान में, इसमें हमने जो हमें धान लगाते हैं जैविक तरीके से तैयार करते हैं, तो गोबर की खाद का इसमें अच्छे से इस्तेमाल किया। उसके बाद हमने गोबर की खाद डालने के बाद इसकी ट्रैक्टर द्वारा इसकी पडलिंग कराने के बाद, कुल यानी कि कुल कटाने के बाद, इसके अंदर कीचड़ बनाने के बाद, आज इसमें धान की रोपाई का कार्य चल रहा है। अगर इसकी पौध देखें तो बिल्कुल सामान्य धान की तरह ही इसकी पौध होती है और इसके बाद इसका जो चावल होता है वो काला होता है। अपने जीवन काल में ब्लैक राइस यानी कि काले चावल का जो पौधा होता है, ये समय समय पर अपना रंग बदलता रहता है, कभी पीले रंग का हो जाएगा, कभी बैंगनी का हो जाएगा, लास्ट में ब्लैक हो जाएगा, तो इस तरीके से होता है। और यहाँ पर ये देखिए हमारी माता जी किस तरीके से धान को लगा रही है। इसकी जो हमने पौध लगाई है, मात्र 22 दिन की पौध है और अभी पतली पौध है, तो ये आसानी से बिल्कुल छोटी छोटी निश्चित दूरी पर इसको लगाया जा रहा है। और उसके बाद सिंचाई, इसमें हम इसमें वेजडी कम्पोचर, घन जीवामृत, इस प्रकार से इसमें सिंचाई के साथ भी इसमें हम डालेंगे। तो इस तरीके से आज हमारे खेत में काले धान यानी ब्लैक राइस की रोपाई का कार्य चल रहा है। किसान भाइयों, जैसे कि हमने पहले भी इससे ब्लैक राइस लगा था, उससे हमें काफ़ी ज़्यादा फायदा हुआ। किसान भाइयों, हमारे पास काले चावल की इतनी डिमांड आई कि हमसे पूरी भी नहीं हो पाई, जिससे हमारे पास बीज में कमी लग गई। जो हमारे पास चावल था वो सारा पर्याप्त मात्रा में था, वो सारा ख़त्म हो गया। तो इस बार हम थोड़ा ज़्यादा एरिया में ब्लैक राइस यानी कि काले चावल की खेती कर रहे हैं और ये अभी तक इतना एरिया हमारा लग चुका है, बाकी का लगभग तो आधा एकड़ से थोड़ा कम और अभी रह रहा है, तो इसमें भी रोपाई का लगातार कार्य चल रहा है। तो किसान भाइयों, बस मेरा यह है, अगर आप बीज लेना चाहते हैं इसका, चावल लेना चाहते हैं, तो जो स्क्रीन पर नंबर दिए गए हैं, आप इन पर संपर्क करें। पूरे भारत में आप कहीं पर भी हो, घर बैठे आप आपके घर पे बाई पोस्ट द्वारा आपके आ जाएगा। क्योंकि जो कहीं किसान भाई ऐसे हैं जो लास्ट में संपर्क करते हैं जब बीज भी ख़त्म हो जाता है इसका और चावल भी ख़त्म हो जाता है। तो ओरिजिनल वेरायटी है चखाऊ किस्म का, आप चावल ही खरीदें और यही वेरायटी आप लगाएं। इसके अलावा बहुत सारी वेरायटी ऐसी है जो फ्रॉड आ रहे हैं, जिसमें किसानों को उत्पादन भी कम होता है, कहीं ज़्यादा समय की है। और ये मात्र लगभग 125 दिन की हमारी वैरायटी है चखाऊ किस्म और ये देखिए लगातार इसकी रोपाई का कार्य चल रहा है। किसान भाइयों, अगर आपने भी अपने यहाँ पर ये वैरायटी लगाई है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें और आपका इसके आपने लगाई थी तो आपका कैसे बिका, क्या स्थिति रही, वो हमें ज़रूर बताएं। हमारा तो काफ़ी अच्छा रहा और इस बार हम बढ़ा ही रहे हैं इसे। तो यही जानकारी इस वीडियो में थी, तो जल्दी एक नई वीडियो लेकर आएंगे जिसमें जब हम इसमें ऑर्गेनिक तरीके से जो इसमें फर्टिलाइज़र हम इस्तेमाल करेंगे उसके माध्यम से भी आपको बताया जाएगा कि कैसे हम इसमें डाल रहे हैं, क्या क्या हम इसमें डालते हैं। इससे पहले भी हमने इसी खेत में ब्लैक राइस को लगाया था और उधर के साइड भी लगा था, उस बार ये वो वैरायटी हमने नहीं लगाई क्योंकि इससे पहले जो वैरायटी लगाई थी उसमें हमें काफ़ी ज़्यादा लॉस हुआ था, क्योंकि हमने काला भाती वैरायटी लगा ली थी लेकिन ओरिजिनल वैरायटी चखाऊ थी, वो उसमें हमें लॉस हो गया था और ये वैरायटी काफ़ी अच्छी है।
तो किसान भाइयों वीडियो को लाइक शेयर पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद। जय जवान जय किसान।